आज बात कैल जेते बौद्ध धर्म के और जानल जेते महाबोधि मंदिर के बारे में। साथ में ये भी बात होते कि कैसे बुद्धम शरणम गच्छामि जन जन तक पहुँचल। हमियो सत्या और अपने देख रहल थीन हैं एक अंगर मघी। बौद्ध धर्म भारत के श्रमण परंपरा से निकलल ज्ञान धर्म आओ दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के शुरुआत कैल गेले हल। गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में होले हल। गौतम बुद्ध के बोधगया में ज्ञान के प्राप्ति होले हल। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देलथिन हल। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में होले हल। उनकर महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दी में बौद्ध पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गेले हल और साथ में अगला 2000 वर्ष में मध्यपुर और मध्य पूर्वी एशिया में भी फैल गेले हल। अब बात कैल जाए महाबोधि मंदिर के। तो महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को द्वारा एकरा विश्व धरोहर घोषित कैल गेले है। ये विहार वही स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त होले हल। ये विहार मुख्य विहार या महाबोधि विहार के नाम से भी जानल जा है। ये विहार के बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप से मिलल जुलल है। विहार में गौतम बुद्ध के एगो बहुत बड़ मूर्ति स्थापित कैल गेले है। ये मूर्ति पद्मासन के मुद्रा में हथिन। एगो अनुश्रुति परिचलित है कि ये मूर्ति वही जगह पर स्थापित है जहां गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होले हल। विहार के चारों दने पत्थर के नकाशीदार रेलिंग बनल है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्य से समृद्ध एगो पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करथिन। आम जन ये पार्क में विहार प्रशासन के अनुमति लेके ही प्रवेश कर सकथिन। ये विहार परिसर में उस 7 गो स्थान के भी चिन्हित कैल गेले है जहां बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत कैलथिन हल। जातक कथा सब में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी हीं है। ये एगो बड़का गो पीपल के पेड़ है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध के यही वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होले हल। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध के लाल बलुआ पत्थर के 7 फीट ऊंचा एगो मूर्ति है। ये मूर्ति विज्रासन मुद्रा में है। ये मूर्ति के चारों दने रंगीन झंडा लगल रहा है। कहल जा है 3री सदी में ईसा पूर्व में यही जगह पर सम्राट अशोक हीरा के बनल राज सिंहासन लगवेलथिन हल और एकरा पृथ्वी के नाभि केंद्र कहलथिन हल। ई मूर्ति के आगे भूरा बलुआ पत्थर पर बुद्ध के बड़का गो पदचिन्ह बनल है। महात्मा बुद्ध के ई पदचिन्ह के धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक मानल जा है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसर हफ्ता यही बोधि वृक्ष के आगे खड़ा अवस्था में बितलथिन हल। ओजे पड़ी भगवान बुद्ध के खड़े अवस्था में वो मूर्ति बनल है। ई मूर्ति के अनिमेश लोचन कहल जा है। मुख्य विहार के उत्तरी भाग चंकामाना के नाम से जानल जा है। यही स्थान पर बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपन 3रा हफ्ता व्यतीत कैलथिन हल। अब एजा पड़ी काला पत्थर के कमल के फूल बनल है जे महात्मा बुद्ध के प्रतीक मानल जा है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिम भाग में एगो छत विहीन भगवा अवशेष है जे रत्नधारा के नाम से जानल जा है। यही स्थान पर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 4था सप्ताह व्यतीत कैलथिन हल। भगवान बुद्ध मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजा से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत कैलथिन हल। बुद्ध 6ठा हफ्ता महाबोधि विहार के दाई ओर स्थित मुंचा लिंडा झील के नजदीक व्यतीत कैलथिन हल। ई झील चारों तरफ से पेड़ सब से घिरल है। ई झील के बीच में
बुद्ध के मूर्ति स्थापित है। मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहे है। विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राजयातना वृक्ष है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपन सातवां हफ्ता यही वृक्ष के नीचे व्यतीत कलथिन हल। एजे भगवान बुद्ध के दुगो बर्मा निवासी व्यापारी से मुलाकात होले हल। व्यापारियन बुद्ध से आश्रय ला प्रार्थना कैल के हल। ये प्रार्थना के रूप में बुद्धम शरणम गच्छामि के उच्चारण कैल के हल। एकरे बाद ये प्रार्थना प्रसिद्ध हो गेले हल। यह लो कहानी महात्मा बुद्ध के और महाबोधि मंदिर बोध गया के। अपने देख रहे थीन हल एकंगर मगी हम ही हो सत्या। फिर मिलो अगला वीडियो में। तब तक ला जय मगी।